हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। मैं रीना वर्मा स्वागत करती हूँ फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, ये ब्लॉग हमारी एनिवर्सरी पार्टी का है, तो आप लोग बिना स्किप करे हुए पूरा देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंजॉय करेंगे आप। देखने में बहुत ही मस्ती धमाल है इस ब्लॉग में, आपको पूरा देखना होगा। तो देखिए, एनिवर्सरी करने का कोई प्लान नहीं था वैसे हमारा, ये था कि सादा ही केक काट कर लेंगे घर पर फिर ये गए थे खेत पर, गांव। अब इस टाइम पर खेत पर चल रहा है काम, तो ये गांव चले गए थे, तो कोई प्लान नहीं था कि कुछ कर भी पाएंगे कि नहीं। फिर ये आ गए टाइम से, 6 बजे का टाइम आ गई ये, तो बस ये गए जल्दी से सारा सामान ले आए। और बस हमने चाची जी के घर पे, और घर से मम्मी पापा थे नहीं, शादी में गए थे तो देवर देवरानी थे तो उनको बुला लिया। और हमारे यहाँ पे बुआ बुआ जी रहती हैं, उनकी लड़कियों को सब लोगों को ये बोले बुला लो और सब लोग मिलकर ही कर लेंगे ऐसे ही सादा फंक्शन घर पे। तो बस हम लोगों ने बस खाना वाना बनाया जल्दी से और सारा कुछ करके, कोई प्लानिंग नहीं थी तो मैंने तो साड़ी वाड़ी भी नहीं खरीद पाई। ये साड़ी ऑनलाइन की थी मैंने, सस्ती है, 200 रुपये की, तो बस वही डली थी तो मैंने वही पहन ली हाल फिलहाल में। और ये देखिए माला आ गई है, तो हम दोनों अभी माला लेकर खड़े हो गए हैं बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हम दोनों भी आपस में बात कर रहे हैं, पापा को याद बरको बरमाला और फोटो वोटो क्लिक हो रही हैं। और फिर ये भी मुझे माला डाल देंगे तो मैं तो बहुत खुश हो रही थी। देखिए मुझे वॉइस ओवर करते वक्त भी बहुत हंसी आ रही है वीडियो को देखकर। अभी हमारे 6 साल हो गए थे शादी के जब हम लोगों ने मनाई थी रेस्टोरेंट में सालगिरह, और जब से बस ऐसे ही कट कर लेते हैं, माला वाला नहीं डालते हैं, केक कट कर लेते हैं। तो अभी इस साल भी हम, और इन्होंने मेरी मांग में सिंदूर भर दिया अचानक से, मुझे तो कुछ ऐसा नहीं था पर सरप्राइज़ दे दिया इन्होंने, सिंदूर भी लगा दिया, तो बहुत अच्छी फीलिंग आई, अच्छी वाइब आई अंदर से। देखिए मैं भी इनका टीका कर देती हूँ। और मैं बोल रही थी जो कैमरा लिए थी दीदी, मैं उनसे बोल रही थी कि कैमरे को ऐसा मतलब इस तरीके से करके फुल स्क्रीन में वीडियो बनाइएगा, पर उन्होंने शॉर्ट स्क्रीन में वीडियो बना लिया पूरा। तो देखिए अच्छे से कवर नहीं हो पा रहा है, पर जैसा है वैसा आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए अभी केक कट कर रहे हैं हम लोग, और मेरी बच्चियाँ, दोनों बच्चियाँ फूल डाल रही हैं मामा पापा के ऊपर, बहुत ज़्यादा खुश हैं वो तो, कि मामा पापा की शादी हो रही है, शादी की एनिवर्सरी पार्टी मनाई जा रही है। कई दिनों से चिल्ला रही थी, मामा आपकी एनिवर्सरी पार्टी आ रही है, पापा आपकी एनिवर्सरी पार्टी आ रही है। तो देखिए, और ये देखिए ये जो फूल इन्होंने दिया था, तो दीदी लोग बोल रही थी बालों में लगा लो अच्छा लगेगा फ़ोटो खिंचवाने में, तो मैं बालों में लगा रही थी तो लग ही नहीं रहा था क्योंकि उसमें डंडी नहीं थी, इस वजह से वो लग नहीं पा रहा था, तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी। और सारे उपाय कर लिए पर वो लगा ही नहीं। फिर दीदी ने एक छोटा सा था वो लगाया, तो वो दिख ही नहीं रहा था, तो वो भी हटा दिया फिर। और बस ऐसे ही हम लोगों ने, सब लोगों ने फ़ोटो वोटो क्लिक करी। देखिए सारी फैमिली के लोग हैं। और हाँ, कैंडल लगाना भूल ही गए थे पहले जलाना, तो कैंडल फिर दीदी ने बाद में जलाई और फिर हम लोगों ने फूकी उसको बुझाया। फिर हम दोनों केक खिला रहे हैं एक दूसरे को, और बस इसी तरह से हम लोगों ने पार्टी करी और खूब सारा एंजॉय किया। तो आप लोग भी एंजॉय करिए।
तो देखिए गाइस, केक कटिंग होने के बाद सब लोगों ने, जो लोग में गिफ्ट लाए थे उन्होंने गिफ्ट दिए हमें, और केक खिलाए एक दूसरे को और फोटो वोटो क्लिक करी। तो देखिए फैमिली अगर साथ में हो तो बहुत ही अच्छा सब कुछ लगता है, चाहे वो छोटे तौर पर ही क्यों ना किया जाए, पर अच्छा लगता है, मज़ा आता है फैमिली अगर सारे साथ में हो तो। बस देखिए, ये देखिए कितने सारे कैमरामैन खड़े हुए हैं, अपने अपने मोबाइलों में वीडियो फ़ोटो क्लिक हो रही हैं। तो बस मैंने सबको बुलाया कि सब लोग आ जाओ, एक एक दो फोटो सारी फैमिली ग्रुप की लेते हैं। तो देखिए सारे लोग आ गए हैं और ग्रुप की फ़ोटो क्लिक हो रही हैं, और थोड़ा बहुत वीडियो भी कैप्चर किया हम लोगों ने। तो देखिए चाची को बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, तो सिकुड़न हो रही है उन्हें। और ये देखिए यहाँ सेल्फी सेशन चल रहा है, और यहाँ मेरी रूही तो देखिए ये हम लोगों का डांस चल रहा है, और मैं म्यूजिक ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने देखा मेरे शॉर्ट वीडियो में भी कॉपीराइट क्लेम आ जाता है अगर म्यूजिक डाल दो जिस गाने पे म्यूजिक पर डांस हो रहा है, तो इसलिए मैंने थोड़ा ही डाला है, एक आधी सेकंड का, और मैं डांस पर दूसरा म्यूजिक लगा देती हूँ। आई होप आप लोग इन्जॉय कर पाएंगे। तो देखिए ये भी आ गए थे, तो थोड़ा इनको भी हम लोगों ने बोला थोड़ा सा डांस कर लो, तो इनको तो आता ही नहीं है, थोड़ा सा बस हाथ मटका दिया बस। और मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती हूँ, पर दीदी लोगों के साथ कर रही थी, देख देख के जैसा वो लोग कर रही थी तो बस उनको देख देख के फॉलो कर रही थी। तो देखिएगा 12 एक बजे तक डांस किया हम लोगों ने, बहुत अच्छा डांस किया। गाइस तो कैसे हो आप सब, अच्छे ही होंगे आप सब। तो अभी रात को एनिवर्सरी थी, तो हम लोगों ने बहुत धमाल किया, 12 बज गए थे, सब लोगों ने बहुत डांस किया और बहुत मज़ा आया। इतना सोचा नहीं था इतना अच्छा लगेगा, क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं थी और ये घर पे थे नहीं एक्चुअली, बस सीधा शाम को ही प्लानिंग बनी, बस केक काटने का प्लान था कि घर पे ही काट लेंगे, पर चलो हमने कहा चलो अपने घर घर के सब लोग काट लेंगे, तो बस लेकिन घर ही घर में सब लोगों ने इतने मज़ा किया कि बस अच्छा लगा सबको, बहुत अच्छा लगा। और दीदी लोगों ने बहुत डांस किया और बहुत इन्जॉय किया सब ने। तो मैंने इस ब्लॉग का एंड अभी नहीं किया था, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से थोड़ा बात कर लेती हूँ और इस ब्लॉग का एंड भी कर देती हूँ। तो अभी देखिए मैंने साड़ी पहनी हुई है इस कलर की, ब्लू कलर की, कैसी लग रही है आप लोग बताइएगा। और तैयार हो गई हूँ मैं, और मुझे बगल में जाना है, अपने घर के बगल में ही जाना है, आज सुहागले हैं तो उधर जाना है, मैं व्रत हूँ आज, तो बस सुबह से काम में ही लगी हूँ, बच्चे स्कूल गए हैं। तो बस चलिए गाइस, अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में।